नमस्कार, आप जुड़ रहे जी 24 कलाक सांजना मोटा समाचारों साथे हूं छु निधि। गुजरात में गीता ना अभ्यासक्रम मुद्दे आम आदमी पार्टीए वांधो उठाव्यो छे। दिल्ली ना नायब मुख्यमंत्री मनीष सिसोदियाए विवादित निवेदन आपता कह्यु के शाळाओं में शा माटे गीता भणाववामां आवे, काम रावण जेवू अने वात गीतानी करो छो। जे लोको गीतानी वात करे छे तेओ पोताना जीवनमां पण गीताना सारनो अमल करे। गीताना वचनो अमलमां लावानी सलाह साथे सिसोदियाए शाळाओमां गीताना शिक्षण सामे वांधो उठाव्यो छे। बिल्कुल पढ़ाएं, लेकिन क्लास में नहीं, जिन लोगों ने पढ़ रखी है वो अमल में भी लाएं। जो पढ़ा रहे हैं गीता, सबसे पहले तो वो अपने जीवन में अमल में तो लाएं। काम करते हैं रावण वाले और बात करते हैं गीता की। मनीष सिसोदिया के आ देश ना बीजा राजकीय नेताओ है जेने मात्र ने मात्र नकारात्मक राजनीति करवी छे, खालिस्तानी बातों करवी छे, केवल मतनी राजनीति करवी छे। भारतीय जनता पार्टी मतनी राजनीति नहीं, मननी राजनीति करी रही है। वोटनी राजनीति नहीं, पर विकासनी राजनीति करी रही है। मनीष सिसोदिया हो के ए लोगों ने खबर जे कि गुजरात नी अंदर आ प्रकार बात करवा पछी मतनी अंदर निश्चितपणे विभाजन करावी, समाजनी अंदर विभाजन करावी, मतोनु तुष्टिकरण करावी, આવી વાતો કરી મત મેળવવા માટેના એ પ્રયત્નો છે, એ ખંડનાત્મક પ્રયત્નો છે। પણ ગુજરાતની જનતા એમાં સામેલ નહીં થાય, ગુજરાતની જનતા જાણે છે। અને આવનારા દિવસોની અંદર પણ મનીષ સિસોદિયા જેવા અનેક લોકોને પણ એનો જવાબ એ મતથી અને મતદાનથી એ ગુજરાતની જનતા